तो ये कैसे समझिए कि क्लास में टॉपर को देखकर आप उसको मिमिक ना करें कि सर वो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 8 घंटे पढ़ूं क्या। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान की एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज दोनों अलग अलग होती हैं, हर इंडिविजुअल क्वालिटी अलग होता है। हो सकता है कि आपका दिमाग मैथमेटिक्स में तेज चलता हो लेकिन आपके दोस्त का दिमाग नहीं तेज चलता हो, तो अगर आप उसी चीज को 1 घंटे में पढ़ पा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आपके दोस्त को भी वो 1 ही घंटे में समझ में आ जाएगा। आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं कि भाई तू क्या करता है, तू ऐसे कैसे पढ़ लेता है। वो हेल्प लेना एक अलग चीज होती है, लेकिन एग्जैक्टली वही करना जो टॉपर करता है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि टॉपर अपने आप को बेटा दिन रात बहुत पहले से घिसता हुआ आ रहा है। शायद आपने नहीं घिसा हो तो एकदम से तो नहीं होगा ना। और आप एकदम से मैं आपको बोल दूं कि भैया तुमने 10 घंटे पढ़ने हैं तो तुम भी ना पढ़ पाओगे क्योंकि तुम्हें हैबिट नहीं है। जो मैं हमेशा यूज करता हूं दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांको बेटा, आपको क्या लगता है कि मुझे किसी भी चीज के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना डेडिकेशन देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए।